बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खूबसूरत से गीत का नोटेशन बता रहा हूँ। गीत के बोल हैं, तेरा मेरा प्यार अमर फिर क्यों मुझको लगता है डर। ठीक है, बहुत ही प्यारा ये गीत है और इसे लता जी ने गाया है। तो इस गीत का मैं आपको नोटेशन बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया ये गीत है, तो आप इसको जरूर ध्यान से देखें ताकि आप भी इसको अच्छे से बजा सकें और साथ में गा सकें। ठीक है, मैं इस गीत को बहुत ही नीचे से बता रहा हूँ, सी शार्प से, पर हमारे इस गीत का जो ओरिजिनल स्केल है वो बहुत ही ऊपर है। ये हमारे इस गीत का ओरिजिनल स्केल है। अब इतने रीड छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि यहाँ से बजाना गाना सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ से भी हम गा सकते हैं, यहाँ से भी गा सकते हैं, कहीं से भी गा सकते हैं, पर जो लता जी ने गाया है उन्होंने यहाँ से गाया है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ से गाया है, पर मैं इसका नोटेशन आपको सी शार्प से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आपसे देखकर प्रैक्टिस करते रहे। आइए शुरू करते हैं। गीत हमारा शुरू होता है यहीं से, तेरा मेरा प्यार अमर। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं, तेरा। अब इसमें मैं फ्रेज बाय फ्रेज आपको बताऊंगा, आप हर फ्रेज को अच्छे से समझें और तभी उसको बजा पाएंगे। तेरा, अब इसमें हमारी कितनी सरगम लगी, सा रे रे गा सा। तेरा मेरा सा रे रे गा सा रे रे गा सा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको बजाना है। तेरा, बहुत सारे लोग बजाते हैं तेरा मेरा, तो क्या यहाँ पे एक थॉट बन जाता है, जबकि उस गीत में थॉट नहीं है, उस गीत में यही चीज है, तेरा तेरा मेरा इस प्रकार, तेरा हा, फिर वापस आ जाते हैं, तेरा मेरा प्यार अमर। इसका सरगम देखते हैं, तेरा सारे रे गा सा मेरा सारे रे गा सा प्यार अमर प्यार अमर सारे रे सानी प्यार सारे रे अमर सानी। और उसके बाद फिर क्यों, अब यहाँ पे भी हमारे वही फ्रेजेस बन रहे हैं, फिर क्यों मेरे निशा क्यों सारे नी फिर क्यों निशा सारे नी मुझको मुझको। अब फिर क्यों जो है उसमें हमारी यही सरगम लगेगी और उसके बाद में मुझको उसमें हमारी सरगम अलग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, मुझको। अब हमारा जो था फिर क्यों निशा सारे ने मुझको, अब मुझको जो है उसमें हमें वापस नहीं जाना है, मुझको निशा सारे लगता है लगता है डर लग लगता है धानी सा लगता है डर। अब जो डर है उसमें हमें शुद्ध नी का यहाँ पे प्रयोग करना है, डर
सारे सानी सा डर सारे सानी सा लगता है धानी सा डर सारे सानी सा। और उसके बाद में फिर हमारी फर्स्ट लाइन आ जाएगी तेरा मेरा प्यार और इसके बाद में हमारा शुरू हो जाता है म्यूजिक। अब म्यूजिक किस प्रकार है आइए देखते हैं। ये हमारा इसमें म्यूजिक आएगा। ये म्यूजिक का सरगम देखते हैं क्या होगा। म्यूजिक का जो हमारा पहला फ्रेज है वो होगा नी सा रे सा नी पा मा गा मा। और उसके बाद दूसरा फ्रेज धा नी सा नी पा मा गा रे सा गा। और उसके बाद में नी धा पा मा गा धा पा मा गा रे सा पा सा नी धा पा सा सा नी धा पा मा गा रे सा पा। ये हमारा पूरा म्यूजिक आएगा। अब आइए मैं इसको आपको बिल्कुल सुलो में बताता हूँ। अभी जो मैंने बजाकर दिखाया हमारा जो म्यूजिक है ये इसी प्रकार बजेगा और ये भी हमारा एक सिंपल म्यूजिक है। उसमें बहुत सारी और इफेक्ट हैं वो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आप बजा ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी चाहिए। अभी क्या है हमें सबसे पहले सिंपल म्यूजिक को तैयार करना। जब हमारा सिंपल तैयार हो जाएगा फिर उसमें हम इफेक्ट डाल सकते हैं ठीक है। लेकिन पहले सिंपल तैयार होना बहुत ज़रूरी है। नी सा रे सा नी पा मा गा मा ये पहला फ्रेज। दूसरा धा नी सा नी पा मा गा रे सा गा दूसरा फ्रेज। और तीसरा नी धा पा मा गा चौथा फ्रेज धा पा मा गा रे सा पा पांचवा फ्रेज सा नी धा पा छठा फ्रेज सा सा नी धा और सातवां फ्रेज पा मा गा रे सा पा। जो हमने लास्ट में पा लिया यहां से हमारा अंतरा शुरू हो जाएगा पा मा गा रे सा क्या से हमारा अंतरा शुरू हो जाएगा। तो अभी आप सबसे पहले स्थाई को तैयार करें और म्यूजिक को तैयार करें। जब ये दोनों चीजें अच्छे से तैयार हो जाएंगी फिर हम चलेंगे अंतरा पे और उसके बाद आगे का म्यूजिक ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अंतरा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।